महाराष्ट्र में इस समय कपास उत्पादकों की समस्या बढ़ती जा रही है। पहले बेमौसम बारिश से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। अभी कुछ मंडियों में कपास की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन बढ़े हुए इस दाम से सभी किसानों को लाभ नहीं हो रहा। इस राज्य में हुई बेमौसम बारिश के कारण कपास की फसलों को अधिक नुकसान हुआ है। इसके चलते कपास के उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं किसानों के पास माल बेचने के लिए नहीं है, इसीलिए कपास की बढ़ती कीमतों से ज्यादातर किसानों को फायदा नहीं हुआ है। कपास और सोयाबीन खरीफ की प्रमुख नकदी फसलें हैं। किसान मुख्य रूप से इन्हीं फसलों पर निर्भर रहते हैं। जब फसलें लहलहा रही थी, तब क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर अगस्त और सितंबर में भारी बारिश देखने को मिली। 10 से 15 दिनों तक लगातार हुई बारिश ने किसानों को हैरत में डाल दिया, और जिससे कई दिनों तक खेतों में पानी जमा रहा और इससे खेतों में फसलों की ग्रोथ रुक गई। कपास के पत्ते पीले पड़कर सड़ गए। फसलों पर विभिन्न प्रकार के रोगों का प्रकोप भी देखने को मिला और फसलों पर दवाइयों के छिड़काव का भी कोई असर नहीं हुआ, जिसके चलते उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं अमरावती और चंद्रपुर जिले में पहले प्रति एकड़ 2 से 3 क्विंटल कपास का उत्पादन होता था। हर साल प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल से ज्यादा कपास निकलता था। वहीं कहीं कहीं भारी बारिश के कारण अब कपास का एकड़ उत्पादन 70 से 80% कम हो चुका है। माल की सप्लाई बहुत कम होने के कारण कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। मांग जितनी सप्लाई नहीं होने से कपास 9000 पर पहुंच गया है। आज कपास 9200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। दरअसल उत्पादन में कमी आने की वजह से सभी किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। वहीं किसान मुआवजे के इंतजार में है, लेकिन अफसोस की बात है कि कई गांवों में भारी बारिश के बावजूद उन गांवों को मुआवजा सूची में शामिल भी नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।